अयोध्या राम मंदिर। राम मंदिर बनने की पूरी कहानी 1528 से लेकर 2020 तक। दिल्ली को जीतने के बाद बाबर के आदेश पर अयोध्या में स्थित राम मंदिर को 1528 में तोड़ दिया गया था। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। फॉलो अस ऑन अयोध्या राम मंदिर स्ट्रगल स्टोरी फ्रॉम 1528 टू 2020 एंड बाबर टू नरेंद्र मोदी। अयोध्या इंडिया टीवी हिंदी। इमेज सोर्स इंडिया टीवी। राम मंदिर बनने की पूरी कहानी रिटन बाय अविनाश राय। 22 जनवरी 2024 12:22 और 42 सेकंड IST। 30 अक्टूबर 1990 की तारीख बड़ी खास और दुखद है। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लागू था। इससे एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का एक बयान आता है। अपने बयान में वो कहते हैं कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बावजूद इसके भारी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचते हैं। पुलिस ने एक खास रास्ते पर 1.5 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग कर रखी थी। सुबह के 10 बजे तक हनुमानगढ़ी इलाके में भीड़ पहुंच जाती है। बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया जाता है। भीड़ एक मस्जिद की ओर बढ़ने लगती है। तभी अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों को लखनऊ से एक आदेश आता है। आदेश था गोली दागने का। पुलिस ने गोलियां चलाई। कहीं गोली लगने से तो कहीं भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हुई। मामला यही नहीं रुका। 1 नवंबर को मृतकों का अंतिम संस्कार होता है। 2 नवंबर को लोगों की भीड़ फिर से हनुमानगढ़ी के पास मौजूद संकरी गली से होते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ती है। सामने पुलिस थी। एक बार फिर आदेश लखनऊ से आया। आदेश था फायर करने का। 2 नवंबर 1990 को फिर पुलिस ने गोलीबारी की। फिर कई लोगों की मौत हुई। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज वो कहानी है जिसने सबसे ज्यादा समय तक विवादों का सामना किया, जिसे हम बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद के नाम से जानते हैं। बता दें कि इस कहानी को हम 4 चरणों में बताएंगे, क्योंकि इस कहानी को समझने का यही बेहतर तरीका है।